नमस्कार दोस्तों, मोक्षदायिनी पुरी हरिद्वार में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर के आए हुए हैं हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध श्री गीता मंदिर, जो कि श्री गीता कुटीर तपोवन द्वारा संचालित यह मंदिर है। मुमुक्षु मंडल ट्रस्ट द्वारा श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। मुमुक्षु मंडल ट्रस्ट द्वारा हरिद्वार में मंदिर, गौशाला, संस्कृत महाविद्यालय और वृद्ध आश्रम चलाए जाते हैं। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यह हरिद्वार का सबसे सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन होंगे। गीता कुटीर तपोवन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि मार्ग पर स्थित है। यहाँ पे आने के लिए हर सुविधा है। स्टेशन से ऑटो की सुविधा से आप आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मंदिर में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ चार धाम की आप झांकी देख सकते हैं। यहाँ पे चार धाम की झांकी बनाई गई है और इसके ऊपरी मंजिल पे जाएंगे तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इस गीता कुटीर तपोवन द्वारा सबसे अच्छी बात है यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जहाँ पे साधु संतों महात्माओं को और जो भी भूखे लोग हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हर दिन शाम को 5 बजे यहाँ पे भंडारा होता है। यह भंडारा यहाँ पे लगभग 46 साल से चल रहा है। संत महापुरुषों का यह सायंकालीन भंडारा श्री गीता कुटीर के जो संस्थापक थे स्वामी गीतानंद जी महाराज, उन्होंने चालू किया था 1973 में किया था और आज भी यह कार्य सतत चालू है 46 सालों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे साधु संत महात्मा लोग लाइन में लग करके यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं। लॉकडाउन का काल हो या कोई भी समय हो, पिछली भी साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था या इस साल भी जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था तो भी यहाँ पे सतत सेवा कार्य चालू रहा और लगभग यहाँ पे रोज 900 लोगों का भोजन बनाया जाता है। वैसे हरिद्वार में तो बहुत सारे मठ मंदिर आश्रम हैं, लेकिन ऐसा सेवा कार्य मैंने लगभग नहीं देखा कहीं पे। एक और आश्रम है बंसी वाले महाराज का आश्रम है, वहाँ पर भी सुबह शाम भोजन की व्यवस्था रहती है और यहाँ गीता कुटीर में आपको सुबह चाय मिलेगी 6 बजे और उसके साथ में बिस्किट या टोस्ट देते हैं और शाम को यहाँ पे 5 बजे भंडारा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी सब प्रसाद दिया जाता है। साधु संतों की लाइन खत्म होने के बाद में जो और मजदूर लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको भी भोजन यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए बम भोले, हर हर महादेव।